महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर एडवोकेट सतीश उके ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आयोजित पत्रकार परिषद में सतीश उके ने आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री रहते गैर कानूनी तरीके से जूनियर इंजीनियर को डिम दे दी, जिसमें ज्यादातर देवेंद्र फडणवीस के रिश्तेदार और करीबी थे, जिसके तहत देवेंद्र फडणवीस ने करोड़ों रुपए हड़पे और घोटाला किया। एडवोकेट सतीश उके ने एक बार फिर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि पीडब्ल्यूडी विभाग में पद न होने के बाद भी गैरकानूनी ढंग से 52 जूनियर इंजीनियर्स को डिमिडेट दी गई, जिसके तहत करोड़ों रुपए हड़पे गए और करोड़ों का नुकसान भी हुआ। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री रहते हुए तब के बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटिल को गुमराह करके इस गैर कानूनी काम को कानूनी मान्यता दी गई। इसके तहत कई पात्र एवं सक्षम अधिकारियों के साथ अन्याय तो हुआ ही, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के भ्रष्टाचारियों में से 1 करोड़ की माया जमा कर अमेरिका चले गए। 1968 ते 1997 च्या दरम्यानच्या तारखेचे दिले, म्हणजे तेव्हापासून ते त्यांना बॅक पेयर्स आणि त्याचे प्रमोशन तेव्हापासून काउंट होते, जेव्हा की तेव्हा ते पदच रिकामे नव्हते आपल्याकडे, तेवढे पदच आपल्याकडे नियमित नव्हते, तेवढे पदच आपल्या महाराष्ट्र शासनामध्ये मंजूर नव्हते। या 52 अभियंत्यांपैकी 31 कनिष्ठ अभियंते सेवानिवृत्त झालेले आहेत, म्हणजे काही तर सेवानिवृत्त झालेले आहेत। तसेच इतक्या दीर्घ कालावधीनंतर हे त्या दिनांकास कनिष्ठ अभियंता पदाच्या पदोन्नतीसित कोट्यातील नियमित पद उपलब्ध नसल्याच्या कारणास्तव प्रदान करण्यात आलेले मानव दिनांक रद्द करणे उचित ठरत नाही, हे कोणी ठरवलं? यांनी परस्पर ठरवलं आणि दिले कशी ती त्यांच्यावरती फौजदारी गुन्हा दाखल व्हायचं गरजेचं होतं, ते म्हणजे नाही नाही हे असं उचित वाटत नाही, ते दिले होते पण आता ते रद्द करणे उचित वाटत नाही। यांच्या घरचं शेत होतं, यांनी उघडून लोकांना दिलं। यास्तव अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम मंडळ नागपूर यांनी 52 कनिष्ठ अभियंत्यांना प्रदान केलेल्या मानव दिनांकास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, हे कधी विचाराधीन होती? ही नाकारलेली होती काँग्रेस गव्हर्नमेंटने। सतीश उके ने ये भी आरोप लगाया है कि जिन अधिकारियों को गैर कानूनी ढंग से डिमिडेट दी गई थी, उसमें ज्यादातर देवेंद्र फडणवीस के रिश्तेदार और करीबी है, जिसके तहत देवेंद्र फडणवीस ने करोड़ों के घोटाले किए। आपको बता दें कि एडवोकेट सतीश उके ने इसके पहले भी देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने फडणवीस की नागपुर के एक आर्किटेक्ट के मर्डर में अहम भूमिका होने की बात की थी, जिस पर फडणवीस ने मानहानि का दावा भी किया था। अब सतीश उके के इस नए आरोप पर देवेंद्र फडणवीस क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये देखना महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ अभिषेक पांसे, BCN News नागपुर।